जय हिंद दोस्तों, आज हम फिर से यूरोपियों का भारत आगमन के पार्ट टू की ओर हैं, जिसमें हमने पढ़ा था किस तरह से पुर्तगालियों का आगमन हमारे भारत में हुआ है। आई मीन यूरोपीय कंपनियां हमारे भारत में किस उद्देश्य से आई हैं और किस क्रम में आई हैं, उनके कंपनी की स्थापना क्रम क्या है, उनके द्वारा कोठी की स्थापना क्रम क्या है, आई मीन पूरी वास्तविक जानकारी हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में प्राप्त कर ली है। आज मौका है किसका, डच के आगमन का। आई मीन सेकेंड पॉइंट जो है वो डच, हमारे यहाँ डचों का भी आगमन हुआ है। डच जिसको वर्तमान में हॉलैंड या नीदरलैंड के नाम से जानते हैं, अब इनका भारत में आगमन कैसे हुआ और किस उद्देश्य से हुआ, यह उद्देश्य तो शब्द को आई मीन सर्वविदित है कि वह एक आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से ही हमारे यहाँ आए थे, और जिसका परिणाम हम लोगों ने देखा भी, भारतीय इतिहास इसका आई मीन जीता जागता सबूत है। अब देखिए इसका कुछ कहानी, 1596 में कार्नोलिस, याद रखिए कार्नोलिस डी हाउटमैन, आप जस्ट एक सरनेम भी याद कर सकते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम कार्नोलिस डी हाउटमैन है, सुमात्रा पहुंचने वाला पहला डच नागरिक था, पहला डच नागरिक। तो याद रखना क्या है कि जो सबसे पहले पहुंचता है उसको हम लोग एक याद रखते हैं, और जो सबसे लास्ट में पहुंचता है आई मीन फर्स्ट और लास्ट वाले का गिनती हम लोग प्रश्न पूछने क्रम में भी कर देते हैं। तो याद रखिए कि 1596 में कार्नोलिस डी हाउटमैन सुमात्रा पहुंचने वाला पहला डच नागरिक। एक क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि आई मीन भारत में पहला डच नागरिक कौन था जिन्होंने अपना कदम रखा, इसका मतलब 1596 में हाउटमैन कार्नोलिस डी हाउटमैन ने पहला कदम भारत में रखा था आई मीन एज ए आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से। याद रखिए इसमें नाम याद रखना है कि वह कहाँ पहुंचा, तो वह जगह का भी नाम याद रखें, सुमात्रा पहुंचा था। दूसरी बात कि अब डच जो आए थे उनका उद्देश्य क्या था, 1602 ईस्वी में हमने जब एक चार्ट बताया था आई मीन पिछले वाले पार्ट में, उसमें बताया था कि कंपनी की स्थापना क्रम, 1602 में डच कंपनी की स्थापना हुई थी। सभी यूरोपीय कंपनी अपना प्रदर्शन करने के लिए एक कंपनी को एस्टेब्ल की, उसके बाद उन्होंने कोठी बनाई ताकि वहाँ से कंप्लीट रूप से निगरानी की जा सके, आर्थिक लाभ में कोई किसी की दखल अंदाजी ना हो, इन तमाम बातों को देखते हुए। तो इसमें 1602 याद रख लेना है कि 1602 में डच कंपनी की स्थापना हुई थी, जो मैंने चार्ट में ही पढ़ा था। अब जिसके अनुसार क्या हुआ, डच संसद ने एक चार्टर, डच संसद आई मीन पार्लियामेंट ने एक चार्टर, चार्टर क्या होता है, कानूनों का एक लिखित विवरण होता है, कि चार्टर जारी करके कंपनी को युद्ध करने संधि भी करने और इलाके जीतने एवं किले बनाने। अब देखिए जो चार फंक्शन है, चार्टर में अधिकार दे दिया गया आई मीन डच संसद ने व्यापारियों को यानी उनके कंपनियों को, कंपनी को युद्ध करने के लिए, संधि भी करने के लिए, इलाके जीतने के लिए, और अपना किला आई मीन उसका फोर्टिफिकेशन भी करने के लिए, यह अधिकार उन्हें किसने दे दिया, डच संसद ने दे दिया। अब दो बातें आपको याद होगी, जिस तरह से हमारे यहाँ और भी यूरोपीय कंपनियाँ आई हैं उसी तरह डच भी आए। तो 1596 में कार्नोलिस डी हाउटमैन भारत के सुमात्रा द्वीप पर पहुँचने वाले पहले डच यात्री हुए, इनको याद रख लेना, 1596 सुमात्रा और हाउटमैन ने याद रखो सीधा, यह पहुंचने वाले पहले नागरिक हुए, राइट। दूसरी बात कि डच संसद ने 1602 में इन्होंने अपनी कोठी स्थापित की आई मीन कंपनी स्थापित, कोठी नहीं कंपनी स्थापित की, और उन्होंने डच संसद में उन्होंने एक बिल पास करके एक चार्टर तैयार किया, उसमें अधिकार मिला कंपनी को कि आप युद्ध करो, संधि भी करो, इलाकों को भी जीतो और उसकी किलेबंदी भी करो आई मीन किले का निर्माण करो। इसका मतलब यह हुआ कि आपको पूर्ण अधिकार प्राप्त हो गया कि आप चाहे जो कुछ भी करो लेकिन अपने व्यापार के विस्तार के लिए हर संभव कोशिश करो। अभी अधिकार कहाँ मिला, डच संसद के चार्टर के द्वारा, डच संसद ने एक जो कानून बनाया उसको हम चार्टर के नाम से जानते हैं। अगला टर्म क्या याद रखना है कि डच जो है प्रारंभ में शुरुआत में मसाले का व्यापार आई मीन जो यूरोपीय कंपनी आई थी डच, उसमें सबसे पहले इंडोनेशिया में इंटर किया, लेकिन उसके बाद में उसका संपर्क भारत से हुआ है। तो इंडोनेशिया में उन्होंने मसाले के व्यापार को बखूबी समझा है और उसे लाभ कमाया है। याद रखना मसाले का व्यापार इंडोनेशिया से संबंधित है। बाद में जैसे ही भारत संपर्क में आया तो सूती कपड़ों का व्यापार भी करना शुरू कर दिया, जिसमें ढेर सारे लाभ उनको हुआ।
भारत के साथ जो संबंध हुआ वह सूती कपड़ों के व्यापार के लिए हुआ, जबकि मसालों के व्यापार जो है इंडोनेशिया के साथ हुआ करता था। अब डचों ने पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, मैंने बार बार बोला कि समुद्री तट पर ही यह सब जगह स्थित है, क्योंकि पहले कोई और रास्ता नहीं, वह समुद्री मार्ग को ही अपनाया गया था। तो 1605 में उन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी एक फैक्ट्री, पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, हमने चार्ट में बताया भी था कि डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई। डचों की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई और कब हुई, 1605 में हुई। डच के द्वारा भारत से नील, सोरा, सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। मैंने बोला बहुत बार पहले भी कि निर्यात उन वस्तुओं की जाती है जो अधिक मात्रा में उत्पादित होती हो। तो भारत में नील हुआ, सोरा हुआ, सूती वस्त्र अधिक मात्रा में यहाँ होती थी, जिसके कारण से इनका निर्यात बाहर के देशों में जहाँ जरूरत थी वहाँ पर जाया जाता था। अब चूंकि यह डच के साथ की बात कर रहे थे, डच को यह सब डच आएंगे यहाँ भारत से नील, सोरा और सूती वस्त्र ले जाते थे और वहाँ व्यापारिक उद्देश्य में अपना पूर्ति करते थे। डच कंपनियों का व्यापारिक नियंत्रण, ध्यान दीजिएगा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, डच कंपनियों का व्यापारिक नियंत्रण उन कंपनियों के हाथ में नहीं था, सरकार के हाथ में। उनका संचालन सीधा सरकार करते थे, जिसके कारण परिणाम क्या हुआ कि डच कंपनी का धीरे धीरे पतन हुआ, क्योंकि डच कंपनी अपने इच्छा अनुसार कोई काम कर नहीं सकता। जब आपको अधिकार कुछ ना दिया गया हो तो आप इमेजिन कीजिए, लाइफ विदाउट राइट, जीवन बिना अधिकार के कैसा रहता है, तो आप अपना महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकते। डच कंपनी जो है वह व्यापारिक अधिकार उन कंपनियों के हाथ में नहीं था, वह उनका डिसीजन सरकार, डच गवर्नमेंट किया करती थी या पूर्ण रूप में कंपनी सरकार पर आधारित थी, जिसके कारण कंपनी को समय समय पर कौन सी कदम उठानी पड़े वह उनके लिए सरकार के डिसीजन का वेट करना पड़ता था। परिणाम क्या हुआ, उनके कंपनियों का पतन होना शुरू हो गया। पतन के कारण को आप जानेंगे आप, तो सिर्फ क्या हुआ, सरकार डच कंपनी पर सरकार का अधिकार या उनके पतन का कारण हुआ। डचों का पतन बेसिकली 1759 में हुआ। इसके बाद एक युद्ध लड़ी गई थी अंग्रेज और डचों के बीच में। अंग्रेज और डचों, मैं बताया था कि यह एक जगह है, एक ही जगह पर बहुत सारे लोग इधर से जैसे सब तरह से उस पर आके अपना व्यापारिक मौका ढूंढने की तलाश में थे, जिसमें एक लड़ाई होती है, दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। और 1759 में अंग्रेज एवं डचों के बीच बेदरा का युद्ध होता है। पेपर में बहुत इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत है, या पेपर में बहुत बार पूछा गया कि बेदरा का युद्ध कब हुआ है और किन के बीच हुआ है। बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ है और अंग्रेज और डचों के बीच में हुआ है। यह सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पेपर में आते ही हैं, तो एक बार इन तमाम चीजों को एक बार फिर से आप याद कर जाइए मैंने क्या क्या बोला। पहला कि डचों का आगमन, जिस तरह से और भी कंपनियां भारत में आई हैं, डच जिसको वर्तमान में हॉलैंड और नीदरलैंड के नाम से जानते हैं, इसमें भारत आने वाला पहला 1596 में कार्नेलिस डी हाउटमैन हुए, जो सुमात्रा द्वीप पर पहुंचने वाले प्रथम डच यात्री थे। 1602 ईस्वी में, याद करना है, 1602 ईस्वी में कंपनी की स्थापना, डच कंपनी की स्थापना की गई, जिसके में डच संसद ने एक चार्टर पास करके कंपनी को युद्ध करने, शांति संधि करने, इलाका जीतने और कंपनी का जो विस्तार करने, इन ढेर सारी बातें वे अधिकार उन्होंने प्रोवाइड किए। अब समझना है कि डच ने प्रारंभ में मसालों का व्यापार करना शुरू किया था किसके साथ, इंडोनेशिया के साथ, लेकिन जब वो भारत के संपर्क में है तो सूती कपड़े का जो है व्यापार करना शुरू किया, जिसमें अधिक लाभ उन्होंने महसूस किया। डचों ने पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में स्थापित की। अब आपको याद है 1605 भारत से डच जो है वह नील, सोरा, सूती कपड़े का निर्यात किया करते थे, राइट है। डच का जो व्यापारिक नियंत्रण था वह सीधा सरकार के हाथ में था। डच सरकार के पास व्यापारिक नियंत्रण की पूरी कमान थी, जो कि डच कंपनी के पतन का एक कारण भी बनी, चूंकि महत्वपूर्ण निर्णय लेने में उन्हें विलंब हो रहा था। आगे डचों का जो एक युद्ध हुआ अंग्रेजों के साथ, वह बेदरा के युद्ध के नाम से भारतीय इतिहास में जाना जाता है। 1759 वह वक्त था जब बेदरा का युद्ध हुआ और जिसके बाद डचों का पतन हो गया, डच यहां से भाग निकले। अगली बात, दूसरा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात करते हैं। ये तो था डच की बात है, अब है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हमारे यहाँ अंग्रेजों कंपनी आई है, इंग्लैंड, मैंने बोला था पीडीएफ पोर्टुगीज डच, तो दो तो हो गए, पुर्तगाली और डच के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स के बारे में। ब्रिटिशर्स क्या हुए, ध्यान दिए, इसमें यह डेट याद रखा आपको, 31 दिसंबर 1600 का जो दिन है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।
31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने रॉयल चार्टर महारानी यानी इंग्लैंड की महारानी ध्यान दीजिए यहाँ पर महारानी एलिजाबेथ का भी नाम याद रखिएगा। उन्होंने भी एक रॉयल चार्टर चार्टर यहाँ भी टर्म था आपने सुना हुआ चार्टर या चार्टर कोई दूसरा नहीं वही कानूनों का एक कलेक्शन है आई मीन रॉयल चार्टर जारी करके चूंकि महारानी थी इसलिए रॉयल नाम लिख दिया गया रॉयल चार्टर है ना। प्रारंभ में 15 वर्षों के लिए यह क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया कि कितने वर्षों तक व्यापार करने की अनुमति मिलती ब्रिटिश कंपनी को आई मीन ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 में भारत आई और उन्हें एक अधिकार पत्र के तहत वो जो अधिकार पत्र है ना उनके तहत 15 वर्षों तक व्यापार करने की अनुमति पूर्वी देशों के साथ उन्हें मिली थी। अब इस बात को समझ लीजिए कि इसके बाद भी वो टर्नओवर बदलता गया आई मीन उन एक्सटेंशन लेते गए तभी तो लंबे समय तक उन्होंने शासन किया। याद रख लो व्यापार करने की अनुमति सबसे पहले उन्हें 15 वर्षों तक ही मिली थी। यह दो बात इसमें याद रख लेनी है कि महारानी एलिजाबेथ ने चार्टर के तहत 15 वर्षों तक के लिए व्यापार की अनुमति दी थी। दूसरी बात 31 दिसंबर 1600 को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। कुल मिलाकर के इस कंसेप्ट को हम आगे और भी समझ कि 1608 में है ना सूरत में कंपनी स्थापित हुई राइट है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री स्थापित की तो वो कहाँ की सूरत में। यह थोड़ा सा एक कंट्रोवर्सी का क्वेश्चन हो जाता है कभी कभी जब आप देखिए एक बार इसकी कहानी है कि उस समय हमारे यहाँ मुगल शासक जहांगीर का शासन चल रहा था राइट है ना और यह अधिकार आई मीन कंपनी को राइट देने का अधिकार अनुमोदन करने का अधिकार कौन सी कंपनी सेटअप होगी नहीं होगी यह सब जहांगीर के पास पावर था। उन्होंने पहली फैक्ट्री सूरत में आई मीन 1608 में तो बनाना शुरू कर दिया लेकिन समय के दौरान जहांगीर से कुछ ऐसी बातें हुई जो अनबन हो गई और परिणाम क्या हुआ मसूली पटनम में 1611 में उन्होंने कंपनी स्थापित करना शुरू कर दिया तो यह वहीं पर स्थगित हो गई। तो पूछा जाता है कि फिर पहले कौन या मसूली पटनम वाला या 1608 वाला आई मीन सूरत वाला। तो सीधा सीधा प्रश्न है कि पहले बना तो वही था लेकिन बनवाना शुरू हुआ जो सूरत वाला 1608 वाला फैक्ट्री इसको हम लोग याद रख लेते हैं। याद कीजिए कि अगर पहली फैक्ट्री ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन सी स्थापित की तो सूरत में स्थापित की कब की 1608 में की यह आप याद कीजिए। यह एक नंबर वाला क्वेश्चन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब कहता है कि कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने आया था। राजा महाराजा के द्वारा जो कुछ आदेश होता है उसको हम शाही आज्ञा के नाम से जानते हैं। तो जहांगीर उस समय के तत्कालीन मुगल शासक थे जिनके पास ये पावर था और आया कौन था मांगने फरमान आई मीन कैप्टन हॉकिंस। अब कैप्टन हॉकिंस के बारे में कुछ दो बातें और समझनी है। यह फारसी भाषा का बहुत जानकार था वह स्कॉलर था फारसी भाषा का बहुत बड़ा ज्ञाता था कैप्टन हॉकिंस के बारे में अगर दो बातें याद रखनी है तो हमें याद रखनी कि वह फारसी भाषा का बहुत बड़ा जानकार था। हेक्टर नामक जो व्यापारिक जहाज था उसका वह कप्तान भी था। याद कीजिए कैप्टन हॉकिंस कैप्टन इसीलिए लगा हुआ है कि वह कैप्टन हॉकिंस जो था वह हेक्टर नामक व्यापारिक जहाज हेक्टर क्या था एक व्यापारिक जहाज जिसका वह कप्तान भी था वह फारसी भाषा का जानकार भी था और वह जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने आया था। यह बातें हमें बिल्कुल माइंड में करनी है कि 1608 में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित हुई दूसरा कैप्टन हॉकिंस जो है वह जहांगीर के दरबार में आया था और कैप्टन हॉकिंस कौन था वह एक हेक्टर नामक व्यापारिक जहाज का कप्तान था वह फारसी भाषाओं का बहुत बड़ा ज्ञाता था। 1615 की हम बात करें 1615 में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम जेम्स प्रथम इंग्लैंड के जो सम्राट थे वह जेम्स प्रथम उनके एक दूत उन्होंने क्या किया एक दूत था उनका सर थॉमस रो दूत। आज भी हम लोग देखते हैं दूत राजदूत है ना हमारे यहाँ से दूसरे देश में दूसरे देश के हमारे देश में ये राजदूत जो अपॉइंटेड हैं क्यों हैं अपॉइंटेड क्योंकि यह एक व्यापारिक गतिविधि नहीं बहुत तरह की जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए एक मीडिएटर का रोल प्ले करते हैं। इस तरह से उस समय जेम्स प्रथम ने एक दूत भेजा था उसका नाम था सर थॉमस रो। याद रखिए सर थॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा गया था किसके लिए व्यापारिक संधि के लिए। उद्देश्य क्या थी जहांगीर के दरबार में आया था अंडरस्टूड है कि आने वाले कॉल में एक जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो इन दो का नाम याद रखिएगा आप है ना। अब व्यापारिक संधि की हम बात करते हैं व्यापारिक संधि क्या है वह व्यापारिक में जो कुछ भी मुद्दे उठते हैं तो उनमें समझौता मिनिमाइज करना
इनकी इस उद्देश्य से वो आए थे जहांगीर के दरबार में। कौन? सर टॉमस रो। इनको भेजा कौन था? जेम्स प्रथम ने। जेम्स प्रथम कौन थे? इंग्लैंड के सम्राट थे। इस तरह से आप थोड़ा सा क्वेश्चन बना बना के उसको आप याद रखें तो ज्यादा खूबी समझ में आएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। दूसरा पॉइंट याद रखें, दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। अभी मैंने यही बात बताया था, 1608 में तो बनना शुरू हुआ था, 1608 में बनना शुरू हुआ। जब आप इस मैप में देखें तो यहाँ पर गुजरात है, सूरत है, और यहाँ पर मसूलीपट्टनम है, राइट है ना? यह मसूलीपट्टनम, यहाँ पे मसूलीपट्टनम इधर और इधर है सूरत। उन्होंने सूरत में, यहाँ पर जहांगीर है, तो इससे परमिशन लेने गया। तो इस केस में पहला 1608 में बनना शुरू हुआ, लेकिन यह बन नहीं पाया था। 1611 में मसूलीपट्टनम में बनना शुरू हुआ और पहले कंप्लीट भी हो गया। लेकिन याद रखिए, यह 1613 में फिर से यह बन करके कंप्लीट हो जाता है, याद कर जाए। इस तरह से इसकी शुरुआत अगर हम पूछें तो पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई, लेकिन अगर पूर्ण रूपेण खत्म नहीं हो पाई, बन नहीं पाई थी 1611 में मसूलीपट्टनम में। मैं लिख दिया यहाँ पर, दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में, तो दो जगह याद रखना है, एक मसूलीपट्टनम और समय याद रखना है 1611 ईस्वी में स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन, 1639 में फ्रांसिस डे को मद्रास का संस्थापक के नाम से भी जानते हैं। एक बात यह है, एक वन वर्ड का जो आंसर है आप याद कर लीजिए, फ्रांसिस डे को हम मद्रास के संस्थापक के नाम से भी जानते हैं, ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को ले लिया था। चंद्रगिरी के जो राजा थे उससे मद्रास अपने अधिकार में ले लिया था। अभी आपने पीछे पढ़ा था उनको राज्य जीतना, साम्राज्य पर अपना एकाधिकार करना, जहाँ पर उन्हें किले बनवाए, जैसे राजा महाराजा होते हैं अपने फोर्टिफिकेशन करवाते हैं, क्यों? उनको शासन करने में कहीं से कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, तो इस तरह से उन्होंने किले बनवाए। और उसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज, उसका नाम क्या रखा? फोर्ट सेंट जॉर्ज। इसमें दो बात आपको याद रखनी है कि 1640 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को ले लिया। एक सीधा याद रखिए कि मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे को समझा जाता है, फ्रांसिस डे को मद्रास का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और इन्होंने जो किला बनवाया उस किला का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा गया, फोर्ट सेंट जॉर्ज। इस बात को आप याद रखिए, मद्रास का वास्तविक संस्थापक कौन था? फ्रांसिस डे, और उन्होंने जो किला बनवाया उसका नामकरण हुआ, और उस नामकरण के बाद नाम क्या है उसका? फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से रखा गया। सबसे महत्वपूर्ण, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा एक सुनहरा फरमान, आई मीन गोल्डन ऑर्डर, आप इसको गोल्डन ऑर्डर क्यों कहा गया ध्यान से सुनिए, इसमें एक अनुमति मिली, उसे परमिशन मिल गया कि स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति मिली, इसीलिए इसको गोल्डन फरमान के नाम से भी जानते हैं। अगर किसी क्षेत्र में यूजुअली जाने की परमिशन नहीं होती है, अगर आपको परमिशन मिल जाए तो आपको खुशी का ठिकाना ना होगा, उसको आप एक अलग नाम दे सकते हैं। तो 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा एक परमिशन मिल गई कि आप स्वतंत्रता पूर्वक आप व्यापार कहीं भी कर सकते हैं गोलकुंडा क्षेत्र में, इस सीमा क्षेत्र में आप व्यापार कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसको इस नाम एक सुनहरा फरमान के रूप में दिया गया था। आप इस बात को बिल्कुल माइंड में लॉक कर लें। कलकत्ता को अंग्रेजों द्वारा 1700 ईस्वी में पहली प्रेसिडेंसी नगर घोषित की गई थी। आपको पता है तीन मुख्य प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। तो कलकत्ता को 1700 ईस्वी में 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया। जब कभी प्रश्न आता है कि कलकत्ता को प्रथम प्रेसिडेंसी नगर कब घोषित किया गया, तो 1700 ईस्वी में 1717 में मुगल सम्राट फर्रुख सियर का थोड़ा सा खतरनाक रोल हुआ। फर्रुख सियर बीमार हुए और इनका इलाज कंपनी के एक डॉक्टर ने किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक डॉक्टर ने किया, उसका नाम है विलियम हैमिल्टन। यह एक प्रश्न है, विलियम हैमिल्टन कौन था? तो वह एक कंपनी का एक डॉक्टर था। अब यह चूंकि यह फर्रुख सियर मुगल सम्राट थे और उनका इलाज किया, तो यह बदले में उन्होंने क्या किया, एक फरमान जारी कर दिया। चूंकि मुगल शासक थे उनके पास अधिकार तो था ही, और फरमान जारी किया वह इस्माइमीन एक तरह से एहसान चुकाने के व्यू से, जिसमें क्या था, जिसके अंतर्गत 3000 रुपये, देखिए 3000 रुपये आप पे कर देते हैं एनुअल टैक्स, साल में अगर आप 3000 रुपये, देखिए 3000 आप टैक्स पे कर देते हैं तो आप साल भर आप निःशुल्क व्यापार करेंगे। अब आप समझ जाइए कि 3000 का मतलब क्या हुआ, एक जो हम लोग आज भी देखते हैं कि आप वन टाइम पेमेंट करते हैं या मंथली पेमेंट करते हैं तो अलग अलग होता है, तो उन्होंने एक फरमान जारी किया कि अगर आप 3000 रुपये आज टैक्स पे कर देते हैं
तो आपको निःशुल्क व्यापार करना है, कोई टैक्स नहीं देना होगा, आप स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करेंगे, इसमें और कोई अतिरिक्त टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को, अब जो कंपनी कुछ सिक्के को मिंट करवाई थी, उन सिक्कों का प्रचलन पूरे मुगल, संपूर्ण मुगल साम्राज्य में चलाने की अनुमति मिल गई। अब आप समझ जाइए, ये फर्रुख शेर का आदेश हो गया कि अब जो कंपनी ने सिक्के ढाले थे, मुगल शासकों की फोटो लगी हुई थी, उन सबको खत्म कर दिया था, लेकिन अब फर्रुख शेर के आदेश के बाद यह परमिशन मिल गया कि जितने भी सिक्के ढाले गए थे कंपनी के द्वारा, उनको मुगल साम्राज्य में आप प्रयोग में ला सकते हैं। एंड ये एक तरह से अधिकार मिल गया, समान कर देना। अब देखा गया कि उसमें भारतीयों को जो टैक्स भारतीय पे किया करते थे, उतना ही टैक्स ब्रिटिशर्स भी पे करेंगे, यानी उनमें कोई अंतर नहीं होगा। जो समान टैक्स पे करना है भारतीयों और ब्रिटिशर्स के, समान टैक्स पे करना है जो ऐसा कि भारतीय पे करते हैं, जिसे आगे चल करके इस नाम से जाना गया महाधिकार पत्र, जिसको हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। याद कर जाइए, इसको मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। कुल मिलाकर के ये सारी बातें आपने समझ में आए कि किस तरह से ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आ करके, यह आते ही उन्होंने अपनी इस गतिविधि को बखूबी समझा और इस तरह से अधिकार प्राप्त कर लिया कि पूरे संपूर्ण मुगल साम्राज्य में अपना व्यापार का विस्तार करना शुरू कर दिया। बेच करके वह चले गए, डेनिस वाली कंपनी जो है वह चली गई कब, 1845 में। या दो टर्म सिर्फ याद रख लेना है, वर्ष याद रख लेना है कि 1616 ईस्वी में डेनिस आए थे भारत में, व्यापार के उद्देश्य से आए थे, लेकिन उनकी गतिविधि उतनी सफल नहीं हो पाई थी, जिसके कारण से 1845 में वह यहाँ से सारी फैक्ट्री बेच करके चले गए। इनका सारा इतिहास यहीं पर खत्म होता है। चलिए अब हम बात करते हैं फ्रांसीसी का आगमन। फ्रांसीसी का आगमन थोड़ा सा एक अलग पृष्ठभूमि रखता है, इसे पेपर में क्वेश्चन भी आया करते हैं। तो 1664 ईस्वी में मैंने पहले भी पढ़ा था कि फ्रांसीसी कब आए थे भारत में, उनका आने का क्रम क्या था, तो उसमें फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे, तो उनका क्रम था 1664। फ्रांस के सम्राट उस समय, फ्रांस के सम्राट जो लुई चौदहवां, आपको बता दूं सम्राट का मतलब वहां पर मोनोपोली था, मोनार्की सिस्टम था, और उसके लुई चौदहवां के शासनकाल में के मंत्री जो थे कोलबर्ट के प्रयास से, कोलबर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, याद कर जाइए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, उसका नाम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया, किसके नेतृत्व में, कोलबर्ट के नेतृत्व में। उन्होंने उस समय के फ्रांस के जो तत्कालीन सम्राट थे वो लुई चौदहवां। क्वेश्चन आता है कि किसके, किस सम्राट के नेतृत्व में यहाँ पर आए थे, तो वह क्या था, लुई चौदहवां के नेतृत्व में। अब जो कंपनी में उनके किनके प्रयास से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, तो उस समय उनके मंत्री थे कोलबर्ट, नाम है कोलबर्ट, नाम था तो अजीब सा है, 1664 ईस्वी में। तो इससे क्या हुआ, इसे एक सरकारी कंपनी भी, इस कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को सरकारी कंपनी का भी नाम दिया गया, कहा जाता था सरकारी कंपनी, क्यों, क्योंकि इस कंपनी पर सारा अधिकार फ्रांस के सम्राट का ही था, यानी सम्राट का अधिकार होना, इस तरह से इसको सरकारी कंपनी का दर्जा दिया गया था, इसलिए कभी कभी इसको सरकारी कंपनी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सारा अधिकार इसमें फ्रांस के सम्राट का था। दूसरी तरफ 1668 ईस्वी में पहली फैक्ट्री इन्होंने सूरत में स्थापित की, सूरत गुजरात का हिस्सा है, जिसमें फ्रैंकोइस कैरो के द्वारा, सूरत में यह फैक्ट्री स्थापित हुई। अब आप समझ गए होंगे किस तरह से यह फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई, तो फ्रांस में, फ्रांस के फ्रांसिसो के द्वारा सूरत में पहली फैक्ट्री 1668 में स्थापित हुई, वह किसकी मदद से, फ्रैंकोइस कैरो की मदद, से सूरत में फ्रांस वालों ने फैक्ट्री स्थापित की, कब की, 1668 ईस्वी में। अब एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि पांडिचेरी में फ्रांसिसो द्वारा फोर्ट लुई, पांडिचेरी में फ्रांसिसो द्वारा फोर्ट लुई नामक किला बनाया गया, फ्रांसिसो द्वारा बनाया था, कहाँ, पांडिचेरी में फोर्ट लुई द्वारा, पांडिचेरी में फ्रांसिसो के द्वारा फोर्ट लुई नामक किला बनाया गया। अब जाके ये किला क्यों बनाया गया, जो किला निर्माण का उद्देश्य ही यही होता था कि वहां पर, वहां की व्यापारिक गतिविधियों पर पूरी तरह से नजर रखी जा सके। 1673 ईस्वी में बंगाल के नवाब शाइस्ता खां, याद रखना शाइस्ता खां कहाँ के नवाब थे, बंगाल के नवाब शाइस्ता खां ने चंद्रनगर की सुप्रसिद्ध कोठी की स्थापना की, चंद्रनगर जहाँ पर मद्रास का इलाका है, यहाँ पर फोर्ट ओरियलेंस कहा जाता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, चंद्रनगर में सुप्रसिद्ध कोठी बनाया, जिसको हम फोर्ट ओरियलेंस के नाम से जानते हैं, फोर्ट ओरियलेंस के नाम से हम
जानते हैं। ये 1673 ईस्वी में बंगाल के नवाब शाइस्ता खान ने चंद्रनगर की स्थापना की और वहां पर एक उन्होंने कोठी बनाई, जिस कोठी को बाद में फोर्ट ओरियलेंस के नाम से जानते हैं। अब याद कीजिए, अंग्रेजों और फ्रांसिसो, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अंग्रेजों और फ्रांसिसो के बीच कर्नाटक युद्ध लड़े गए थे और 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए थे। क्वेश्चन आता है कर्नाटक युद्ध किनके बीच लड़े गए थे, तो अंग्रेज और फ्रांसिसो के बीच लड़े गए थे। कर्नाटक युद्ध किनके बीच लड़े गए थे, अंग्रेज और फ्रांसिसो। इस पूरे पैराग्राफ से अगर कोई क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन नीचे शुरू करते हैं, कर्नाटक युद्ध किनके बीच लड़े गए थे, अंग्रेज और फ्रांसिसो के बीच लड़े गए थे। दूसरा कि बंगाल के नवाब शाइस्ता खां से चंद्रनगर में जो किला की स्थापना की गई थी उनका नाम क्या हो गया, तो फोर्ट ओरियलेंस के नाम से रखा गया। दूसरा कि सूरत में जो फैक्ट्री स्थापित की गई किनके नेतृत्व में, फ्रैंकोइस कैरो के नेतृत्व में, कब की गई, 1668 ईस्वी में की गई थी। अच्छा, 1664 में फ्रांस ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित किया उस समय किनका शासन था, तो लुई XIV का शासन था। एक और क्वेश्चन है कि वह एक डेनिश का भारत में आगमन कब हुआ, 1616 ईस्वी में। वह डेनिश भारत से पूरी तरह से भाग के और चले गए, तो कंपनी बेच के चले गए, कब गए, 1845 में गए। इस तरह क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चंस बनाएं और उसको बनाने के बाद उसको प्रैक्टिस के रूप में एक बार, दो बार, तीन बार जरूर देखें ताकि आपको कुछ याद हो जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, अंग्रेज और फ्रांसिसो के बीच लड़ा गया था। और 3 युद्ध हुए थे, कर्नाटक युद्ध प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इसकी चर्चा हम आगे वाले टॉपिक में करेंगे। सब कुछ इंपॉर्टेंट है, जो सीधा सीधा प्रश्न आपके पेपर में आता है इस टॉपिक के आधार पर, राइट, है ना। अब इनको समझिए क्या है, वास्को डी गामा, इसकी चर्चा हमने पहले भी किया था, भारत आने वाला पहला प्रथम पुर्तगाली यात्री। जिन लोगों ने उधर डिस्क्रिप्टिव टॉपिक को हमारे बढ़िया से समझा होगा उनको सारी बातें बिल्कुल जाना पहचाना, सुना और समझा होगा। तो वास्को डी गामा भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री था। सीधा क्वेश्चन देखते हैं, हमारा आंसर पिंक हो जाएगा। कैब्राल भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली यात्री था। क्योंकि पुर्तगाली यात्री क्यों नहीं है, क्योंकि उनको लाभ तो दी गई थी बड़े पैमाने पर। सेकेंड पुर्तगाली कैब्राल, फर्स्ट पुर्तगाली वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को डी अल्मीरा, प्रथम पुर्तगाली वायसराय। यह प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था, अल्मीरा। कैप्टन हॉकिंस, प्रथम अंग्रेज दूत जिन्हें सम्राट जहांगीर से मुलाकात की थी। मुलाकात क्यों की थी, व्यापारिक संधि के पॉइंट ऑफ व्यू से। गेराल्ड ऑंगियार, बम्बई का संस्थापक। यह याद रखिए, बम्बई का संस्थापक कौन था, कलकत्ता का संस्थापक कौन था, मद्रास का संस्थापक कौन था, यह कभी कभी मैच द फॉलोइंग में आ जाता है क्वेश्चन। गेराल ऑंगियार जो था वह बम्बई का संस्थापक था। जॉब चर्नॉक, यह जो था कलकत्ता का संस्थापक था, यह याद रखना है। और फ्रांसिस डे जो मद्रास का संस्थापक था, यह 3 को आप बिल्कुल याद कर जाइएगा, गेराल्ड ऑंगियार, जॉब चर्नॉक और फ्रांसिस डे। तो फ्रांसिस डे मद्रास वाला, जॉब चर्नॉक कोलकाता वाला और गेराल्ड ऑंगियार बम्बई का संस्थापक, इनको याद रखना है। एक फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट, फोर्ट विलियम कोलकाता में है, यह चार्ल्स आयर, यह याद रखना, चार्ल्स आयर ने फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट का पद ग्रहण किया था। कुल मिलाकर के यूरोपीय के आगमन का क्रम यह कंप्लीट रूप से यही समाप्त होता है। और उम्मीद करता हूँ कि आपने इन सभी चीज़ों को बहुत बढ़िया से समझा होगा कि भारत और यूरोप के बीच जो संबंध थे वह कोई नए नहीं थे, वह पुराने थे, लेकिन 1453 की जो घटना थी कस्तुंतुनिया वाला, वह इसको फिर से एक बार पुनः जोड़ने का काम किया और समुद्री रास्ते के माध्यम से, केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं उसको, उस माध्यम से आते आते इस तरह की स्थिति पहुंची भारत में और किस तरह से हमारे यहाँ यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। अब यह सब व्यापारिक लाभ के लिए हुआ, आप तमाम चीज़ों को देख लिया, समझ लिया, इसको आप बखूबी देखें, समझें। थैंक यू सो मच।